मैं स्टिल लाइफ के लिए कुछ इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने स्टिल लाइफ के लिए पहले अपनी शीट का कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इसमें ड्राइंग करनी, किसी भी एक न्यूट्रल कलर के पेस्टल से कर लें। उसके लाइट एंड डार्क्स आपने शेड्स निकालने हैं। डार्क्स के लिए आप ब्लैक कलर यूज़ करो, हाईलाइट्स के लिए आप वाइट यूज़ करोगे। इसके बाद आपने इनकी ऑब्जेक्ट्स की जो है वो छोटी छोटी जो है डिटेल्स निकालनी है। आप फिंगर के साथ भी इसको मर्ज कर सकते हो। अपने पास एक रैग रखें जिससे आप अपनी फिंगर्स के साथ जब मर्ज करो तो रैग से अपने हाथ साफ़ करते जाएं, ताकि एक ऑब्जेक्ट में दूसरा कलर ना आपका लगे, और फिर एक एक ऑब्जेक्ट की आप डिटेल निकालते जाओ, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टिल लाइफ। इसके अलावा मैंने कुछ नेट से बोरो इमेजेस भी आप लोगों के लिए एज अ रेफरेंस के लिए आपको दिखा रही हूँ, जिसमें ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ भी आप स्टिल लाइफ बना सकते हो, उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, बॉटल, ग्लास, एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है जिसको आप चाहो बना सकते हो ईजीली। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप अपने मोबाइल से भी क्लिक ले सकते हो पिक्चर्स, सामने ऑब्जेक्ट्स रख के, अपने घर में से कोई भी ऑब्जेक्ट रख के उसकी पिक्चर्स ले सकते हो। नेट से बोरो इमेजेस भी आप लेके काम कर सकते हो। वर्किंग बेसिकली आपकी 3 असाइनमेंट है पेस्टल की, एक 1 ऑब्जेक्ट के साथ, सेकंड वाली 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ, और थर्ड वाली आपकी 3 या 4 ऑब्जेक्ट के साथ आपने लेनी है। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट रखो उसकी डिटेल आपने ज़रूर निकालनी है, ताकि वो कंप्लीट आपका वर्क हो पोर्टफोलियो के लिए। तो जहाँ पे आपको नहीं समझ आती आप मुझसे पूछें, डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अपनी फ़ोटोग्राफ ख़ुद भी क्लिक करके मोबाइल से आप मुझे दिखा सकते हो अपने इमेजेस वगैरह रेफरेंस। और दूसरा ये कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, आप नेट से बोरो इमेजेस लेना चाहते हो, आप उसके साथ भी वर्किंग कर सकते हो। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको मेरी असाइनमेंट जो मैंने दी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।